हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यूट्यूब दिन ब दिन अपडेट होता जा रहा है, यहां पर डेली या वीकली आपको अपडेट देखने को मिल ही रहेंगे यूट्यूब के, तो उसके चलते आपको एक जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। जैसे कि हम जब पहले यूट्यूब पर चैनल बनाते थे तो हमारे से सारी जानकारी पहले ही पूछ ली जाती थी एडवांस में कि आप किस तरीके के वीडियो बनाएंगे, आपके अपलोडिंग का फॉर्मेट कैसा रहेगा, सारी जानकारी हमसे पहले एडवांस में पूछकर अबाउट सेक्शन में हमें शो कर दी जाती थी। लेकिन जैसे कि यूट्यूब अपडेट हो रहा है तो अब हमें जो भी जानकारी देनी होती है वो करंट पोजीशन में देनी होती है, यानी वर्तमान की स्थिति में हमें सारी जानकारी देनी होती है। जैसे कि यूट्यूब स्टूडियो वीडियो बीटा में अपलोडिंग 4 स्टेप में कम्प्लीट होती है, ठीक है। तो वहीं पर जो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बतलाने जा रहा हूँ जो कि आपके वीडियो में आपको सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि अगर आप उसे ध्यान नहीं देते तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि आपको अपलोडिंग करते टाइम किस पॉइंट का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपके लिए आगे चलकर आपके वीडियोस पर किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीडियो किस क्षेत्र का है, ठीक है। कौन सी लेवल का आपका वीडियो है, कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। आप किस टॉपिक पर ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं और आपके वीडियोस मेड फॉर किड्स है या नहीं, या नॉट फॉर मेड किड्स है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके पास खुद के पास होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के फॉर्मेट से आपको वीडियो अपलोड करनी चाहिए और वो एक कौन सा पॉइंट है जो कि आपके वीडियोज़ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर उस पॉइंट को अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको वीडियोस बनाने में आगे दिक्कत जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यूट्यूब अपडेट हो रहा है उसके चलते आपको उस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का अपलोडिंग फॉर्मेट है जो कि हमें कंप्लीट करना है। केवल वो एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपके वीडियोज़ को आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल ओपन है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी फटाफट से दे देते हैं। तो आपको जाना होगा सबसे पहले अपने स्टूडियो बीटा पर, क्योंकि हमने इस पर क्लिक कर दिया है। चलिए, ये हमारा यूट्यूब स्टूडियो बीटा ओपन हो चुका है, ठीक है। ये हमारे चैनल का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आपको अपलोडिंग संबंधित है, तो आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना होगा, जिस पर आपको कोई भी एक नॉर्मल सा वीडियो अपलोड करना है जो कि मैं आपको अभी डेमो के लिए बताऊंगा। तो अपलोड वीडियो पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमें देखिए सबसे ऊपर अपलोड विद क्लासिक, यानी कि आप क्लासिक से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी अपडेट के मुताबिक आपको यहाँ पर स्टूडियो बीटा से ही अपलोड करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, ये हमें रिडायरेक्ट करेगा हमारे कंप्यूटर के उस पेज पर जहाँ पर हम अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर वगैरह जो भी जहाँ पर भी रखा है। देखिए, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पर एक ABCD नाम से डेमो फाइल बना के रखी है, इसे मैंने ओपन किया, ठीक है। ये फाइल मैंने ओपन कर ली, ठीक है। अब जो पहला ही डिटेल का पेज है, यहाँ पर आपको कुछ भी डाल देना है, डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा फटाफट से, ठीक है। थंबनेल भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, प्लेलिस्ट, ये सब चीज़ आप खुद से ही डाल सकते हैं। मेन चीज नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहीं पर आपको एक ऐसी चीज़ पर काम करना है जो कि आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सारी जानकारी तो आपको नहीं भरनी होती इसमें, मेन पॉइंट जैसे ये टैग हुआ, ठीक है, इसका सीधे आपको आना पड़ता है। लाइसेंस तो ऑटोमेटिकली रहता है, इसके बाद आपको ये देखिए कैटेगरी, ये वो पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान रखकर काम करना। अब मान लीजिए मैंने वीडियो टेक्निकल डाल के रखा है, ये रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैं म्यूज़िक बताऊँगा तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो म्यूज़िक कैटेगरी में ही चलता रहेगा, और अगर मैं इस पर ही काम करता रहूँगा हमेशा तो आगे चलकर मेरे चैनल को म्यूज़िक कैटेगरी में डालकर जो भी टेक्नोलॉजी लेवल के वीडियोस के जो फॉर्मेट होते हैं उससे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो म्यूज़िक लेवल के फॉर्मेट होते हैं उससे मेरे चैनल को लिंक कर दिया जाएगा,
तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान में रखकर काम कीजिए। अगर आपने अभी तक जो भी वीडियोस बनाए हैं तो प्लीज़ जाकर उनसे एडिट कर लीजिए, और आपके वीडियोस जो भी, जैसे कि मान लीजिए साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, हाउ टू एंड स्टाइल है, कॉमेडी है, पीपल एंड ब्लॉग, गेमिंग, ट्रेवल, इवेंट, स्पोर्ट्स, पेट्स एंड एनिमल, सारे कैटेगरी यहाँ पर आपको शो कर रही है। देखिए फिल्म एंड एनिमेशन, सारी जो भी कैटेगरी जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है उनसे संबंधित सारी कैटेगरी आपके साथ शो हो रही है। तो बिल्कुल इस बात को नज़रअंदाज ना कीजिए। आप म्यूज़िक लेवल पर टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करेंगे, एजुकेशन की वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपका चैनल की कैटेगरी जो कि म्यूज़िक की कहलाएगी और उसके फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। यानी कि जो भी इसके नियम एवं शर्तें म्यूज़िक कैटेगरी के वीडियोज़ की, उससे आपको जोड़ दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप वीडियो अपलोड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यही बात बताने के लिए आज की वीडियो बनाई है। तो चलिए, आपको हमने बता ही दिया है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और इसके दायरे में ही रहकर आप वीडियो अपलोड करें। इसे हम करते हैं कैंसिल, ठीक है, और वीडियो को करते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस तरीके का ये एक पॉइंट है जो कि आपकी वीडियो की कैटेगरी को बताता है। यानी कि अगर आप टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो आपको कैटेगरी बिल्कुल सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आगे चलकर यूट्यूब आप पर एक्शन नहीं ले सकता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए म्यूज़िक की कैटेगरी अगर आपकी रहेगी और अगर आप टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब आप पर कार्रवाई कर सकता है 100%, ठीक है। अगर आप म्यूज़िक कैटेगरी को चलाते हैं और टेक्निकल वीडियो अपलोड करते हैं, या और कोई सी बहुत सारी कैटेगरी है वहाँ पर, आप उन कैटेगरी के अंदर रहकर वीडियो अपलोड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यूट्यूब आप पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले सकता है, आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर सकता है। यानी कि कुल मिला के अगर आप उस पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करते तो आपको फ्रॉड कहा जा सकता है कि भैया आप तो इस कैटेगरी की वीडियो डाल रहे हैं, और अगर आप जो वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर कैटेगरी कुछ और बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप फ्रॉड कहे जाओगे और यूट्यूब आप पर एक्शन लेगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप सारी वीडियो बनाएं, और जो भी आपकी वीडियो की कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर तो हर वीडियोस को आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हम अकाउंट बनाते थे तो वहाँ पर सिर्फ केवल एक कैटेगरी हमसे पूछी जाती थी कि आप किस कैटेगरी के वीडियोस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर यूट्यूब आपको सपोर्ट भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ रहा है कि जो ये वीडियो ये किस कैटेगरी की है, ठीक है, टेक्निकल है, म्यूजिक है, ब्लॉग्स है, और भी बहुत सारी है, तो आप अपने स्तर पर उसकी अपने स्तर पर उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करें और वीडियोस को आगे अपलोड के लिए बढ़ाएं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर आप सारी वीडियो अपलोड करें। भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई भी यूट्यूब अगर आप पर एक्शन लेता है तो आप बताने में सक्षम रहेंगे। तो वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।